हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द सिक्स लेक्चर ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स नोन एज मेजरमेंट ऑफ मैटर। आज के लेक्चर में हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं, कंसेप्ट ऑफ मोल। ना अगर हम लोग प्रीवियस लेक्चर की बात करें, लेक्चर नंबर 5 की, तो मैंने आपको उसमें मॉलिक्यूलर मास निकालना सिखाया था। लेक्चर नंबर 1 में भी आपको मॉलिक्यूलर मास निकालना सिखाया था। तो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम लोग मॉलिक्यूलर मास का ही यूज करने वाले हैं, ठीक है। तो आज का हमारा जो टॉपिक है बच्चों, वो है कंसेप्ट ऑफ मोल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप साइंस लेते हो तो आपको 11th स्टैंडर्ड में केमिस्ट्री का पहला ही चैप्टर है ये। यहाँ पे एक छोटा सा टॉपिक है, बट केमिस्ट्री में बेटा 11th स्टैंडर्ड में फर्स्ट टॉपिक ही है कंसेप्ट ऑफ मोल, ठीक है। अभी ये जो मोल होता है उसका मीनिंग क्या होता है पहले वो समझ लेते हैं। तो स्टूडेंट्स, इसको समझने के लिए पहले हम लोग थोड़े एग्जाम्पल लेते हैं डे टू डे लाइफ के। सबको बेटा वर्ड डजन पता होगा। डजन मतलब 12, अ क्वांटिटी ऑफ 12, ठीक है ना। 12 क्वांटिटी होगी तो उसको बेटा हम लोग बोलते हैं डजन। जैसे अभी मैंगो का सीजन जस्ट गया ही है, तो हम लोग बोलते थे कि एक डजन मैंगो लेके आओ। तो एक डजन मैंगो मतलब 12 मैंगो। सो डजन का बेसिक मीनिंग क्या होता है बेटा, एनीथिंग इन अ क्वांटिटी ऑफ 12। अगर मेरे पास में समझो ऐसे घड़ी बेटा 12 है, तो मैं बोलूंगा मेरे घर पे तो एक डजन घड़ी है सर। या फिर मेरे पास समझो ऐसे चॉक्स 12 है या 24 है, तो मैं बोलूंगा मेरे पास 2 डजन चॉक्स पड़े। अगर बेटा ऐसे ही हम लोग चीजों को गिनने के लिए क्या यूज करते हैं, डजन। हम लोग बोलते हैं एक डजन बनाना लेके आ, तो मतलब 12 बनाना लेके आने, ठीक है। तो स्टूडेंट, डजन क्या है, एक यूनिट है मैटर को गिनने का, बराबर है। अभी मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ। अगर मेरे पास में एक बाउल में इतने सारे चावल पड़े, इतने सारे चावल, राइस राइस, ठीक है ना। और अगर मैं किसी को पूछूं कि गिन के बताओ कितने डजन राइस है, डजन मतलब एक एक दाना गिनो, तो आप लोग क्या बोलोगे, राम सर क्या बोल रहे हो, इसको कैसे गिनेंगे, इतने सारे हैं। चलो एक काम करते हैं, आपको मैं पूरा 100 किलो गेहूं देता हूँ, 100 किलो, 100 kg, वो पूरा गोनी आता है ना बड़ा वाला, 100 kg आपको क्या दे दिया मैंने, वीट दे दिया। और मैंने बोला इसके दाने गिनो और बताओ कितने डजन है, तो आप बोलोगे सर इतने सारे हैं उसमें गेहूं, हम लोग कैसे गिनेंगे। तो स्टूडेंट्स, एक और सिंपल सी चीज मैं आपको पूछता हूँ कि जब क्वांटिटी 12, 24, 36, 48, 60 इतना तक था, तब तक डजन बहुत ही काम का था, बराबर है। तो बच्चों, डजन बेसिकली क्या है, इट इज अ यूनिट टू काउंट मैटर, इट इज अ यूनिट टू काउंट व्हाट, मैटर। मैटर को गिनने का क्या है बेटा, वो एक यूनिट है, बराबर है। बट ये एक छोटा यूनिट है कि बड़ा यूनिट है, स्मॉल यूनिट है, ठीक है ना। तो स्टूडेंट्स, अगर मुझे वो गेहूं गिनने हैं, अगर मैं आपको बोलूं कि मेरे सर पे कितने डजन बाल है, थोड़ा सा जोक है, तो आप बोलोगे सर आपके सर पे तो बहुत सारे बाल है, तो वहां पे गिनने के लिए तो डजन बहुत ही छोटा वर्ड है। तो स्टूडेंट, इसके लिए केमिस्ट्री वालों ने एक नया टर्म इंट्रोड्यूस किया, मोल, ध्यान देना। सो मोल बेसिकली, अगेन इट इज अ यूनिट टू काउंट मैटर ओनली, इट इज अ यूनिट टू काउंट मैटर। मैटर को गिनने का बेटा क्या है, एक यूनिट ही है, ठीक है ना। बट इसमें एक डिफरेंस क्या है बेटा, दिस इज अ बिगर यूनिट, ये बड़ा यूनिट है, ठीक है ना, ये बड़ा यूनिट है मैटर को गिनने का। तो मोल वर्ड से घबराओ मत, मोल वर्ड का मीनिंग एक ही है, ये भी चीजों को गिनने का ही यूनिट है। जैसे डजन बेटा 12 लोगों को गिनता है, वैसे मोल जो है वो बहुत बड़ा यूनिट है, और वो कितने लोगों को गिनता है पता है, 1 मोल, एक डजन मतलब 12 होता है ना, 1 मोल का वैल्यू होता है 6.023 × 10³, मतलब इसके बाद 23 zeros, इतना बड़ा नंबर है। और इस नंबर को हम लोग बोलते हैं एवोगैड्रोस नंबर। कौन सा नंबर, एवोगैड्रोस नंबर, और इट इज डिनोटेड बाय एन नॉट और एन ए। बहुत सारे बुक्स में एन ए भी दिया और एन नॉट भी दिया है, ठीक है, दोनों करेक्ट है। हायर स्टैंडर्ड में हम लोग जनरली एन ए यूज करते हैं। तो स्टूडेंट्स, 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस इज इक्वल टू हाउ मेनी, 6.022 × 10³ पार्टिकल्स। अभी जैसे मैं अगर आपको एग्जाम्पल के तौर पर बोलू कि मेरे पास में एक डजन मैंगो है, एक डजन मैंगो है, मतलब मेरे पास कितने मैंगो है बच्चों, सर 12। अगर मैं बोलूं मेरे पास में 1 मोल मैंगो है, तो बेटा बोलने के लिए भी और सुनने के लिए भी और प्रैक्टिकल में तो बेटा होश उड़ जाएंगे। 1 मोल मैंगो मतलब कितने मैंगो पता है, 6.022 × 10³ मैंगो। इतने सारे मैंगो, पहली बात तो लाएगा कौन, खाएगा कौन, बांटेगा कौन, ठीक है ना, ये बहुत बड़ा नंबर है। तो सर 1 मोल का मतलब क्या होता है, 1 मोल का मतलब जो भी चीज आपने 1 मोल बोला, अभी समझो मैंने बोला 1 मोल या फिर 1 डजन चॉक, मतलब 12 चॉक्स ना। अगर मैं बोलूं 1 मोल चॉक्स, मतलब इतने सारे चॉक्स,
इतने सारे चौक ये तो बहुत बड़ा नंबर है बेटा। तो केमिस्ट्री में बेटा हम लोग को ऐसे नंबर्स की जरूरत होती है, और इसी को बेटा हम लोग बोलते हैं साइंटिस्ट के नाम पे रखा गया एवोगैड्रोस नंबर, और इसका दूसरा नाम क्या है, एन ए और एन नॉट। सर वन मोल होता क्या है, फिर इसका डेफिनेशन क्या है? डेफिनेशन के हिसाब से वन मोल ऑफ अ सब्सटेंस, वन मोल ऑफ एनी सब्सटेंस, वन मोल ऑफ एनी सब्सटेंस इज इट्स, अगर वो एटम है तो एटॉमिक मास, इज इट्स एटॉमिक मास, और अगर मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूलर मास इन ग्राम्स, उसको किसमें, ग्राम्स में एक्सप्रेस करना होता है, उसी को बेटा हम लोग क्या बोलते हैं, वन मोल। तो समझो अगर मैं आपको क्वेश्चन पूछूं एग्जांपल के तौर पे, सोडियम क्या है? सर ये तो एटम है, तो इसके लिए कौन सा मास गिना जाएगा, एटॉमिक मास। अगर मैं बात करूं वाटर, H2O क्या है? सर ये तो मॉलिक्यूल है, तो इसके लिए कौन सा मास गिना जाएगा, मॉलिक्यूलर मास। सोडियम का एटॉमिक मास सबको पता है 23, तो वन मोल ऑफ सोडियम, कोई बोल ले कि वन मोल ऑफ सोडियम का मतलब क्या होता है, तो आप क्या बोलोगे, 23 ग्राम्स ऑफ सोडियम, बराबर है। और किसी ने अगर पूछ लिया कि मेरे पास में 23 ग्राम सोडियम है तो उसके अंदर कितने एटम्स होंगे, तो कितने एटम्स होंगे बताओ, 6.023 × 10^23 एटम्स, 6.023 × 10^23 क्या एटम्स होंगे। तो वन मोल किसी भी सब्सटेंस का वन मोल ले लिया जाए तो पहले चेक करो वो एटम है या मॉलिक्यूल। अगर एटम है तो कौन सा मास लोगे, एटॉमिक मास, और अगर मॉलिक्यूल है तो कौन सा मास लेंगे, मॉलिक्यूलर मास। तो सबसे पहले इसका मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे, बताओ कैसे, 2 × एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन 1 होता है, प्लस व्हाट ऑक्सीजन कितना है 1, 1 × ऑक्सीजन का कितना होता है 16, तो 16 + 2 कितना हो जाएगा 18। तो अगर मैं, ये कौन सा मास है, मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास को किस में लेंगे, ग्राम्स में, तो वो क्या हो जाएगा, वन मोल। तो 18 या फिर वन मोल ऑफ वाटर इज इक्वल्स टू 18 ग्राम्स ऑफ वाटर, और उसमें कितने मॉलिक्यूल्स होंगे बच्चों, 6.023 × 10^23 क्या, मॉलिक्यूल्स। तो याद रखना बेटा किसी भी सब्सटेंस का आपको अगर एक मोल निकालना है तो उसका मॉलिक्यूलर मास, या फिर अगर वो एटम है तो एटॉमिक मास ले लो और उसको ग्राम्स पीछे लगा दो, वो उसका एटॉमिक, सॉरी, वन मोल हो जाएगा। अभी जैसे मैं अगर आपको क्वेश्चन में पूछूं या फिर आपको सिंपल सा फॉर्मूला याद रखने के लिए बोलूं, नोट नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालोगे आप मुझे बताओ बच्चों, एकदम सिंपल है। वाटर का अगर मैं बोलूं कि 1 मोल लेके आओ तो आप कितना ग्राम लेके आओगे, 18 ग्राम लेके आओगे। अगर आपने 36 ग्राम लाया तो कितना मोल हो जाएगा, 2। तो नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला बेटा, गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, ये फॉर्मूला याद रखना, गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, तो ये फर्स्ट फॉर्मूला है। दूसरा फॉर्मूला नंबर ऑफ मोल्स का, दूसरा फॉर्मूला आप बताओ 1 मोल में कितने मॉलिक्यूल होते हैं, 6.023 × 10^23, तो 2 मोल्स में कितने हो जाएंगे, 12.046 × 10^23। तो सिंपल है, इसमें क्या करेंगे, गिवन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, जो भी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आपको दिया है, दो फॉर्मूला याद रखना, गिवन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अपॉन 6.023 × 10^23, 6.023 × 10^23, जिसको हम लोग कौन सा वाला नंबर बोलते हैं, एवोगैड्रोस नंबर, जिसको हम लोग बोलेंगे Na। जस्ट 1 सेकेंड, सॉरी स्टूडेंट, चलो स्टार्ट करते हैं। नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला दूसरा क्या है बेटा, गिवन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अपॉन Na, Na का मतलब 6.023 × 10^23 होता है। तो अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं, तीसरा फॉर्मूला बन जाएगा, तीसरा फॉर्मूला नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का फॉर्मूला है नंबर ऑफ मोल्स इंटू क्या बच्चों, Na इंटू Na। सो नंबर ऑफ मोल्स इंटू Na, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इनटू Na, और नंबर ऑफ मोल्स को पूरे इस चैप्टर में हम लोग N से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, N इनटू Na। तो स्टूडेंट्स एक बार वापस से फॉर्मूला रिवाइज करते हैं, नंबर ऑफ मोल्स का पहला फॉर्मूला क्या है, जो भी मास दिया होगा वो किस में होना चाहिए, ग्राम्स में, उसको डिवाइड करेंगे किससे, मॉलिक्यूलर मास, वो भी किस में होना चाहिए, ग्राम्स में। दूसरा फॉर्मूला नंबर ऑफ मोल्स का, गिवन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अपॉन Na, और तीसरा फॉर्मूला नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इनटू Na। तो ये तीन फॉर्मूलाज आपको याद होना चाहिए। चलो एक बार वापस रिवाइज करता हूं मैं,
ठीक है, ध्यान से सुनो। सबसे पहला पॉइंट, पहली बात तो मुझे था मोल वर्ड क्या होता है, ठीक है ना। बहुत सारे बच्चे तो मोल वर्ड में कंफ्यूज हो जाते हैं, तो सबसे पहले मुझे था बेटा, चीजों को गिनने के लिए हमारे पास यूनिट है। अभी समझो जैसे बेटा, डिस्टेंस को मेजर करने के लिए हमारे पास में अलग अलग यूनिट है, जैसे कि सेंटीमीटर है, किलोमीटर है, माइल्स है, ठीक है ना। अगर मैं आपको बोलूँ कि यहाँ से मुंबई से दिल्ली कितना सेंटीमीटर दूर है, तो आप लोग बोलेंगे सर क्या जोक कर रहे हो। क्यों? क्योंकि यहाँ से सेंटीमीटर में थोड़ी हम लोग दिल्ली को नापेंगे, किसमें मापेंगे? किलोमीटर में। तो स्टूडेंट्स वहां पे किलोमीटर बराबर यूनिट है। अगर मैं आपको बोलूं कि बताओ ये चौक कितना किलोमीटर लंबा है, तो आप वापस हंसोगे सर ये तो चौक है बहुत छोटा है, तो इसके लिए सेंटीमीटर बराबर है। तो स्टूडेंट जैसे नीड रहेगा वैसा यूनिट बनाते हैं हम लोग। तो वैसे बेटा चीजों को गिनने के लिए छोटा यूनिट कौन है? डजन, जो सिर्फ 12 लोगों को, 24 लोगों को, 26, 36 है, 48 है, ऐसे लोगों को गिनेगा। बट मोल बहुत बड़ा यूनिट है, और केमिस्ट्री में हमको गिनने के लिए बहुत बड़ा यूनिट चाहिए, इस वजह से मोल का इन्वेंशन किया है। तो मोल इज अ यूनिट टू काउंट मैटर, और ये एक बड़ा यूनिट है। 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस कंटेन्स हाउ मेनी पार्टिकल्स? 6.023 × 10^23, जिसको कौन सा नंबर भी बोला जाता है, एवोगाड्रोस नंबर, n0 और na। 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस इज इक्वल टू, 1 मोल कैसे निकालोगे? 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस इज इक्वल टू इट्स आइदर एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर मास इन ग्राम्स। अगर वो एटम है तो एटॉमिक मास, मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूलर मास, बट वो किस में लेना है हमको? ग्राम्स में लेना है, ठीक है। अगर मैं बात करूं बेटा सोडियम, तो वो एटम है तो एटॉमिक मास लेंगे, और अगर वाटर की बात करें तो मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूलर मास लेंगे, ठीक है ना। ये 3 फॉर्मूलाज हमको अच्छे से आने चाहिए। नंबर ऑफ मोल्स का फर्स्ट फॉर्मूला गिवन मास अपॉन मोलर मास, नंबर ऑफ मोल्स का दूसरा फॉर्मूला गिवन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अपॉन एनए, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का तीसरा फॉर्मूला नंबर ऑफ मोल्स इनटू एनए, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में मैं सिर्फ इतना ही सिखा रहा हूँ। मैं नेक्स्ट लेक्चर हाफ एन आवर का बनाने वाला हूँ, थोड़ा बड़ा लेक्चर बनाऊंगा, और इसके ऊपर जितने भी क्वेश्चंस आ सकते हैं वो सब क्वेश्चन सीखूंगा। तो स्टूडेंट्स ये वीडियो तो आपको पूरा देख के नोट्स कंप्लीट करना ही है, बट ये वीडियो आपको 2 से 3 बार देखना है। मैं जो वापस बोल रहा हूँ सुन लो पहले अच्छे से, क्योंकि जब तक ये आपको अच्छे से याद नहीं होगा, नेक्स्ट लेक्चर में क्वेश्चन सॉल्व करना आपको नहीं आएगा। सो इट्स अ रिक्वेस्ट फ्रॉम माई साइड कि ये वीडियो आप लोग कम से कम इस एक बार तो देखा, इसके बाद भी आप लोग प्लीज 2 बार से देखिए। मैं जैसे ज्यादा बड़ा वीडियो बना भी ना, 10-12 मिनट का ही है, प्लीज इसको अच्छे से समझ लीजिए, क्योंकि ये वाला सीबीएसई स्टूडेंट्स के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है, और एसएससी स्टूडेंट्स के ऊपर न्यूमेरिकल्स बहुत क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जाते हैं। तो स्टूडेंट्स हम लोग नेक्स्ट लेक्चर लेक्चर नंबर 7 में इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स करेंगे। लगभग 30 से 35 मिनट का बड़ा वीडियो बनेगा, और उसके अंदर सब हम लोग चीजें कवर करेंगे। सो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। ये प्लीज नोट्स में आप लोग अच्छे से लिखना, और ये वीडियो प्लीज 2 बार और देख लेना। टिल देन थैंक यू स्टूडेंट्स।